रमजान। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़ातीन और हज़रात, आपने प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया शान की लज़्ज़त बुशरा के साथ और उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अज़ीज़ ख़ातीन और हज़रात, आज के दौर में बड़ी गनीमत है कि अगर आपको ठोकर लगने लगे तो आपको कोई ख़बरदार कर दे, कोई आपकी तसीह कर दे इस अंदाज में कि आपकी दिल आज़ारी ना हो। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये भी अल्लाह की बड़ी ही रहमत है एक ख़ास। और आप जैसे कि आपने सुना होगा कि शायद सब काम सबके लिए नहीं होते, लेकिन कुछ लोग कुछ कामों के लिए ही उन्हें बनाया जाता है, उनकी ड्यूटी लग जाती और इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो वो अगर ज़िंदगी में मैसर आ जाएं तो अल्लाह ताला की बहुत ही खुसूसी करम नवाजी है। इस सेशन में आज 20 रमज़ान मुबारक है और इस सारे अरसे में जिस तरह से आपकी पार्टिसिपेशन रही है, जिस तरह से आपकी रहनुमाई रही है, आपकी दुआएँ रही हैं और आपकी तवज्जो रही है सबसे बढ़ के, वो हमारे लिए, हम टीवी के लिए, नूर रमज़ान की सारी टीम के लिए बहुत हौसला अफजा है। और बिलखसूस इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उसका सेहरा जिस शख्सियत के सर है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई शफीक खलीक, और गुफ्तगू फरमाते हैं तो दिल पर असर करती है। मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाज़रीन भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और 20 रमज़ान मुबारक, कल 21 रमज़ान मुबारक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शख्सियत और उनकी शहादत के हवाले से बात होगी। आज की तारीखी अहमियत क्या है, जिसके मुतल्लिक तवारीख की भी बात हुई थी, मैं गुजारिश करूँगा मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब से कि बात को आगे बढ़ाएं। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो शहर इंतखाब किया जहाँ उनकी विलादत हुई उसे हम मक्का मुकर्रमा कहते हैं जी। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के अल्लाह ताला ने ख़ानदानों में से बेहतरीन ख़ानदान, कबीलों में से बेहतरीन कबीला, इलाकों में से बेहतरीन इलाका, अल्लाह ने अपने हबीब के लिए हर चीज़ बेहतरीन मुंतखब फरमाई। मक्का मुकर्रमा में आपकी विलादत हुई और वहीं आपने अपनी ज़ाहिरी दुनियावी ज़िंदगी के तकरीबन 53 बरस बसर किए। ऐलान नबूवत फरमाया जब ज़ाहिरी तौर पर उम्र शरीफ 40 बरस की हो गई थी। नबी कब से हैं ये कब और जब तब के लफ्ज नहीं थे, वो उस वक्त सुभानअल्लाह थे, सुभानअल्लाह। लेकिन ऐलान नबूवत जब फरमाया तो वही मक्का वाले जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, आपकी शर्म व हया का हर जबान पर जिक्र था, आपकी बातें होती थी कि उस जाहिलियत के दौर में भी इतना उम्दा किरदार, हालांकि किसी मकतब से कोई वास्ता नहीं। वही लोग बदतरीन दुश्मन हो गए। कौन सा सितम और जुल्म था जो उन्होंने आप पर और आपके सहाबा पर नहीं ढाया था। वाकयात बयान किए जाएं तो हज़रत बिलाल के वाकया को देखें, आले यासिर, हज़रत सुमैया पहली खातून शहीद, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या हुआ। हालांकि वो जानते थे कि मुअज्जज़ फ़र्द हैं, बेहतरीन ख़ानदान के। मुसलमानों ने इथोपिया हबशा की तरफ दो मरतबा हिजरत की, वहाँ ताक़ुब किया गया, फिर बिलाखिर हुक्म आ गया हिजरत का, हिजरत फरमा ली। मक्का मुकर्रमा अल्लाह ताला का घर, वहाँ पर हजरे असवद, वहाँ मकाम इब्राहिम, वहाँ मुताफ, वहाँ मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, सफा, मरवा। मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो अब उस मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों का रहना जायज़ नहीं रहा, उनके लिए वहाँ रहना जायज़ नहीं रहा। क्यों? कि काबा तो वहीं था, काबे की रूह चली गई। सुभानअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसी मौलद, उसी वतन को जहाँ विलादत हुई दोबारा हासिल किया। वतन छोड़ नहीं दिया जाता, फिर लिया जाता है।
मगर तारीख इंसानी में ऐसी मिसाल बहुत मुश्किल मिलेगी। हजारों का लश्कर साथ है, खून की एक छींट नहीं गिरी और मक्का फतह हो। एक छींट नहीं गिरी, बिल्कुल ठीक। रास्ते के एक दो वाकयात आपको सुनाऊं ताकि वो लोग जो इस्लाम के बारे में किसी तरह बदगुमानी का शिकार है। लश्कर जा रहा है, रास्ते में एक कुतिया ने बच्चे दिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, आपको पता, और तादाद में ज्यादा होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को वहां खड़ा कर रहे हैं, जब तक सारा लश्कर ना गुजर जाए तूने यहाँ खड़े होके इनकी हिफाजत कर ली है। क्या ऐसा दीन किसी पर जुल्म की, जबरदस्ती की गुंजाइश या इजाजत रखे? दे सकते नहीं, इससे अंदाजा करें। अच्छा, इस लश्कर की जो क्या कहते हैं ना पॉलिसी, मंसूबा बंदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुफिया रखी थी, बहुत खुफिया रखी। ये जंगी तदाबीर आज शायद हमारे पास उतनी नहीं, अगर हम सीरत पर गौर फरमाएं। पहुंचे उधर मक्का वालों को इत्तला हो गई, सहाबा चाहते, ईंट से ईंट बजी होती, कितने पुराने जख्म थे, कुछ मुंहों से निकल गई बात। दाखिल हो रहे हैं मक्का मुकर्रमा में, आज हम गिन गिन कर बदले लेंगे, क्योंकि उनको वो सितम याद थे, और सितम भी को कम नहीं बजा, मतलब सितम भी शदीद थे, शदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात पहुंची, फरमाया मेरे सहाबियों इस तरह ना कहो, यूं ना कहो आज बदले लेने का दिन है, आज हम गिन गिन के बदले लेंगे, यूं कहो आज मुआफ करने का दिन, आज हम मुआफ करेंगे, दुश्मनों को सीने से लगाएंगे। सामने आ गए वो मक्का वाले, वो सब जिन्होंने हर किस्म का सितम ढाया था, बड़ी गरजदार आवाज में ना, रोब वाली, जानते हो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? सुन के दिल दहल जाए, पता नहीं हमारे साथ आज क्या होना। मगर सामने जिनके ये कहा जाता है वो कहते हैं, आप हमसे पूछते, हमने 53 बरस आपको देखा, आप वो हैं जो गालियां सुनकर दुआएं देते हैं, जो पत्थर खाकर फूल बरसाते हैं, आप हमारे साथ वही करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना खताकार भाइयों के साथ किया था, आप करीम हैं, करीमों की औलाद। अब यहां मैं मलिक साहब आपको थोड़ी सी तवज्जो एक हदीस की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कयामत की बातें हो रही हैं कि कयामत में ये होगा, कयामत का मतलब जहां सबने खड़े होना है वो मैदान लगेगा। एक आराबी देहाती, बात चली है लफ्ज़े करीम से जी, एक देहाती पूछता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। वो कहता फिर घबराने की बात ही कोई नहीं, देहाती है, अल्लाहू अकबर, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज नहीं है उधर, देहाती है, कहता फिर घबराने की बात कोई नहीं। सहाबा कहने लगे हमारे पित्ते पानी हो रहे हैं खौफ से, और तू कहता घबराने की बात नहीं, क्यों ऐसा कह रहा? उसने कहा जब करीम गलबा पाता है मुआफ कर दे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी ने फकी देखना हो तो इसको देख लो, है तो ये देहाती मगर बात इसने बहुत पते की अंदाजा की। वो लफ्ज़ करीम मैंने आसे कि आप करीम हैं, करीमों की औलाद हैं, मेहरबानी करें। फरमाया ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज तुमसे कोई मुआखसा नहीं, वअंतुम तलाका, तुम सब आजाद हो। दुश्मनों के नाम ले लेकर फरमाया जो उनके घर में पना ले लेगा उसको भी अमान है। ये वो खुल्क था
देखा, ये वो रहमत थी कि वो कदमों में गिर कर पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया है, अगर को ब्रेक नहीं जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है आपकी इजाजत से। खातिनो हज़रात, एक सुप्रीम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर इस हवाले से और बात होगी कि ये सब हम कैसे अपना सकते हैं, मौलाना साहब से पूछेंगे इंशाल्लाह। एक सुप्रीम ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छा गया नूर रमजान,